हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो B29 प्रो डिवाइस के अंदर आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको आप ऑटोमेटिक चेंज कैसे करेंगे। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन का जो लाइट है उसको जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार जो आपका लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग आप अपने फ़ोन में कैसे करेंगे इसी का सेटिंग यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लिया, आप देख रहे हैं हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है। और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉलपेपर थीम्स यूआई कलर और नीचे कुछ सेटिंग आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है लॉक स्क्रीन पोस्टर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर और उसके आगे यहाँ पे छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे नीचे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉक स्क्रीन और उसके नीचे आपको मिलता है प्रोटेक्ट वॉलपेपर्स, तो आपको इसका यह बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। जब आप इस बटन को यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो जो आपका लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएगा। और नीचे वाले ऑप्शन को अभी आपको इनेबल कर लेना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं और भी ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिलता है अपडेट रिमाइंडर। दोस्तों, जो आपका लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसका जो अपडेट है उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको इनेबल करेंगे, नीचे आपको मिलता है ऑटो अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा। तो दोस्तों, आप अपने फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है उसको आप ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोन में यूज भी कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों बटन को यहाँ पे इनेबल करना होगा। आप देख रहे हैं ये वाले बटन को और इसको भी, यहाँ पे दोनों बटन को इनेबल कर लेना है। आपके फ़ोन में नए नए वॉलपेपर डाउनलोड होकर यूज होते रहेंगे। आपको अपने फ़ोन में वॉलपेपर को डाउनलोड नहीं करना होगा, आपके लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और आपके फ़ोन में यूज होने लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे सेटिंग को यहाँ हमें इनेबल कर दिए हैं और यहाँ से इसको कट करते हैं, अपने स्क्रीन को हम यहाँ पे लॉक करेंगे। जैसे अपने स्क्रीन को यहाँ पे हम लॉक करते हैं तो आप देख रहे हैं जो हमारा वॉलपेपर यहाँ पे बार बार चेंज हो जाएगा। जितनी बार अपने लाइट को ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार जो हमारा वॉलपेपर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।